ये एफ सिंबल्स की वेबसाइट है, ठीक है, इसको वीपीएन से आपने चलाना है। और उसके बाद ये देखें लिखा हुआ आ रहा है बोल्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ से बोल्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जो कुछ भी यहाँ पे लिखूँगा वो नीचे बोल्ड में आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद जो मुझे मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ, चलें इधर आ जाते हैं ना साइट पर जिस पर काम करना है, इधर आ जाते हैं, यही से हम कोई वीडियो उठाते हैं जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक वीडियो है, अब हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इसकी विंडो की ज़रा डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से एक वीडियो ले लेते हैं। ये डुप्लीकेट विंडो इसलिए की कि जो मैंने ऑप्टिमाइज की होगी ना उस वीडियो को खोल लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं ये वाली वीडियो, आ गया। इसको ज़रा चलाकर देख लेते हैं कि वीडियो क्या है, क्योंकि हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करना हमें पता है ना क्या चीज़ होगी, तभी हम ऑप्टिमाइजेशन करने में हमें हेल्प होगी। सो एक बार इसे प्ले करके देखते हैं क्या है क्या ये। क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है ना, ये क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट है मेरा, जो कि हाउस क्लीनिंग सर्विसेज देता है, जिसमें कारपेट क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, ठीक है ना, ये सारी आती है। तो इनडोर देता है, लोग कॉल करते हैं। अब आप सोचें कहते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करो, बोलते हैं आम सा बंदा जैसे क्लीनर होता है, तो ये सब इसने पूरा, इसकी अपनी एक वेबसाइट है, पूरा प्लेटफॉर्म है इसका, गूगल है, भी चलता है, तो जैसे ये बिजनेस करता है। अब आजकल ये इंस्टाग्राम भी इसने प्रमोशन नहीं करवानी शुरू की हमेशा, ये क्लीनिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मैंने की हुई है पहले, देखते हैं कि पहले होती नहीं हुई। ये शुरू कहाँ से हुई थी, ये व्यू का ऑफिस था, यह इधर से देखते हैं कौन सी, हाँ ये व्यू का ऑफिस नहीं हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में कर क्या रहा है, इस वीडियो में हो क्या रहा है, बेसिकली क्लीनिंग सर्विस दे रहा है और क्लीनिंग सर्विस दे रहा है एक ऑफिस में, और क्लीनिंग किस चीज़ की कह रहा है, चेयर्स की क्लीनिंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें, आ गए हम लोग, इधर आ जाए ज़रा, ये इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने ऑप्टिमाइज किया वो भी इसी की है, ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग किया, ये भी ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कोई और वीडियो लेता, जैसे सोफ़ा क्लीनिंग वाला, ये सोफ़ा क्लीनिंग की वीडियो है, ठीक है। और नीचे आओ ज़रा, जैसे ये वाली है, इसको देखो ज़रा क्या है, इसको प्ले करके देख लेते हैं। थंबनेल लगा हुआ है इसका, अब ये सोफ़ों की क्लीनिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसका आप देखें कंटेंट सारा सोफ़ा के साथ है, टाइटल भी उसी तरह है, ये देखें अंदर, ये भी इसी तरह की लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसके टैग्स आ रहे हैं, यही चीज़ें हम नई वीडियो को करने, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब ये हमारी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि जो हम नई वीडियो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो भी ऑफिस फर्नीचर की है। अब इसका टाइटल मैं देख लेता हूँ, अब आप ये देख लें ये बोल्ड हुआ है ना टाइटल, ये एफ सिंबल से किया हुआ, यानी कि यहाँ से नहीं होता, यहाँ से अगर आप बोल्ड करोगे भी ना तो अभी वक्ती तौर पर तो होगा, अब जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो सिंपल टेक्स्ट में ले आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ से टेक्स्ट लेकर आते हो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है, कॉल नाउ फॉर बुकिंग, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना हमने। अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये मुझे अच्छा टैक्स लग रहा है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देख लो कितना है, अच्छा स्कोर है, 80% स्कोर आ रहा है इसका, ठीक है ना, फाइन। सो अब हम ये ले लेते हैं ऑफिस फर्नीचर। मैं क्या करता हूँ,
बजाय इसके कि मैं अब नए सिरे से उधर जाके बनाऊँ, कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं तो मैं उन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ आया और यहाँ ला कर मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये भी ऑफिस फर्नीचर ही हो रहा है, लेकिन ये क्या और क्या कर रहा है, ये डोर को भी कर रहा है ना, डोर क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, सो हम कहते हैं ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज इन डोर, यहाँ तक ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाकर हम और चीज़ें इसकी देखेंगे। हाँ वो सारी, अब इधर आ जाते हैं जरा। क्योंकि इसका टेक्स्ट एक ही तरह है, एक ही तरह का काम है इसका, इसलिए हम इसको उठा रहे हैं। इसको उठाया जी मैंने यहाँ से, राइट क्लिक किया और कॉपी कर दिया, और कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ और ये आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये फिक्स किया हुआ, ये गलत वाला फिक्स हुआ है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये पहले किसने खुद से ऐसे लगाए हुए थे, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये इसने बाय डिफॉल्ट में फिक्स किया हुआ है। सो अभी हम डिफॉल्ट में जाके मैं आपको इसका कुछ और डाटा फिक्स कर देंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हुआ है। आ गया जी, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है आपने डिस्क्रिप्शन की, आपने सुना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का जो पहला पैराग्राफ, देखिए एक सबसे पहली बात ये कि जो हमने इसका टाइटल लिखा है, टाइटल के अंदर हम लोगों ने कीवर्ड यूज़ करा। ठीक है, कि किस कीवर्ड की बेस पर, अब कीवर्ड कैसे हम करेंगे, एक तो हम वीडियोज उस तरह की बनाते हैं, ये तो एक बिजनेस मैन है ना, देखिए ये अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए इसने नहीं बनाया हुआ, इसने तो इसलिए बनाया हुआ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है। ठीक है ना, दो चीज़ तरह दो बिजनेस, जैसे आप बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये बिजनेस प्रमोट करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर तो सर्च वॉल्यूम उसके लिए मैटर नहीं करता, उसको तो इसी को ही लेकर चलना है। लेकिन अगर कोई एक यूट्यूबर होगा कि यार वो पहले देखेगा कि यार किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इसने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया उसके अच्छे कीवर्ड्स कौन से। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं ज़रा गूगल पर आ जाता हूँ, ये क्या था ऑफिस, क्या लिखा था, फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज, मैं देखता हूँ कि इसमें से ऐसे टॉप पर क्या चीज़ें आती हैं ऑफिस फर्नीचर पर, कौन से टर्म्स को दिखाता है। एक तो उसने कहा हुआ है अपहोस्ट्री क्लीनिंग, अपहोस्ट्री क्लीनिंग का भी मतलब होता है कि आपके घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे सोफा भी आ जाता है, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं वो अपहोस्ट्री कहलाती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बिजनेस, जो भी ऐसा बिजनेस कर रहा होगा ये उसका कीवर्ड बनता है, अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज भी उसका बिजनेस बनता है। और अगर आप नीचे आकर देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑफिस चेयर क्लीनिंग्स, अच्छा उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, सोफा क्लीनिंग्स, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कमर्शियल। अब क्योंकि दफ्तर की बात हो गई तो हम इसे कमर्शियल कहते हैं, अगर घर में काम करवा रहा होता तो हम कहते हैं डोमेस्टिक अपहोस्ट्री क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो वो क्योंकि ऑफिस में कह रहा है, अब नीचे आ जाते हैं यहाँ क्या कह रहा है, ये ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज, यानी ये हमसे रिलेटेड है ना ऑफिस। अब जोहर टाउन तो हम नहीं कहेंगे ना जी, ये तो जोहर टाउन कहता है कि इस टर्म का भी लोग ढूंढते हैं, जोहर टाउन में अपने घर के क्लीन रूम जो होता है क्लीन कर पाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है फाइन, ठीक है, वो सर हमें सारे कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे जिस तरह उसने हमें सजेशन दिया। हाँ बिल्कुल, हमें जहाँ से पता लग रहा है कि सजेस्टेड कीवर्ड कौन कौन से हैं, अच्छी बात है लिखे, इसलिए कि कुछ लोग उनको भी लिख रहे हैं, जब कुछ लोग उनको भी लेंगे आपको, आप 5000 कैरेक्टर्स तक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आप 500 कैरेक्टर्स तक टैग्स लिख सकते हो, आप 16 हैशटैग लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इतनी सारी उसने हमें ऑप्शन दिया तो हमने इसको यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि उसने हमारी वीडियो को बेसिकली, देखें वीडियो की भी जो एसईओ हो रही है, वीडियो की एसईओ में अगर हम ये कहते हैं कि वेबसाइट ऊपर कैसे आती है तो वेबसाइट क्राउल होती है, ये अभी हमारा जो कल टॉपिक शुरू होगा उसमें क्राउलिंग को करेंगे। ठीक है ना, अभी क्योंकि इससे भी रिलेटेड है, वेबसाइट क्रॉल होने का क्या मतलब है कि गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि गूगल के ऊपर देख रहा होता है कि अभी कितनी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, उसके बाद वो देखता है कि ये वेबसाइट्स हैं, फिर देखता है ये इतनी जो वेबसाइट्स हैं इनमें से कितनी वेबसाइट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का क्या मतलब है, जैसे आप कॉलेज में आए हैं तो कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो स्टूडेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है वो अपना सेशन कंप्लीट करता है, उसको डिग्री भी मिलती है, उसको इनाम भी मिलता है, आकर अच्छी है ना। सेम इसी तरह गूगल भी यही कहता है कि भाई वेबसाइट बनानी है आपने, यूट्यूब वीडियो लगानी है आपने, तो हम आपको एक स्टैंडर्ड बताते हैं,
आपने इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, दीज स्टैंडर्ड्स कॉल्ड एसईओ, ठीक है ना। वही हम लोगों ने एसईओ में पढ़ने हैं। तो अब क्योंकि हम इसके एसईओ कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाने हैं। तो अब क्राउलर जब आएगा तो क्राउलर को क्या पता कि सुपर क्लीनिंग क्या है, क्राउलर को क्या पता कि अडोब फोटोशॉप क्या है, ठीक है ना। क्राउलर को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। क्राउलर को चाहिए टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्राउलर ने आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है, आपकी वीडियो नहीं देखनी। आपके क्लाइंट ने तो आपकी वीडियो देखनी है, लेकिन आपकी वीडियो ने जो ऑप्टिमाइज होना है उसके लिए आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके लिए मैटर करती है। उसमें टैग्स भी आ जाते हैं, उसमें हैशटैग्स भी आ जाते हैं, और उसमें डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसलिए करने लगे, ठीक है। अब हमने ये कहा जनाब ये वाली हमारी वीडियो है, हाँ यही वाली है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख दिया जी ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विस, फाइन। अभी तक हम इस चैनल को मेंशन नहीं कर सकते, मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था कि चैनल को मेंशन करने के लिए आपके 500 सब्सक्राइबर हो जाए। चैनल मेंशन करने का क्या मतलब होता है कि हम एट द रेट ऑफ के साथ चैनल का नाम लिखते हैं तो लिस्ट में चैनल आ जाता है, ठीक है, वो होता है चैनल मेंशन। तो वो एक अच्छी बात होती है हमारे लिए। तो ये हमने लिख दिया है, फाइन। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ अब हमने कीवर्ड लिखा टाइटल में, उसके बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का जो पहला पैराग्राफ है वो भी हमने इस तरीके से लिखना होता है कि उसमें भी हम डिस्क्रिप्शन को लिखें और रिपीट करके लिखें, मगर एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करना, बल्कि हमने सेमेंटिक वे में उसको रिपीट करना। सेमेंटिक वे में का मतलब क्या होता है कि मीनिंग एक जैसी हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा कहता है कि फ्री एक्सेल कोर्सेज इन लाहौर, अब इसको सेमेंटिक वे में हम देखें ना तो हम कहेंगे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, दोनों सूरतों में तो कोर्स ही सीख रहे हैं ना वो। सो इस तरह करके तो हम अपनी रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करते, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वो ये कहता है कि आपका जो टाइटल है वो भी आपके पहले पैराग्राफ में नज़र आना चाहिए, और पहले पैराग्राफ को चाहें तो हम सेंटेंस की सूरत में लिख लें और चाहें तो हम पॉइंट्स की सूरत में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उठा लिया वही ऊपर से ऑफिस फर्नीचर पूरे का पूरा उठाया, और उसके बाद नीचे मैंने क्या लिख दिया, ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है। अच्छा, आप लोग स्क्रीन पर देखने मेरा ख्याल क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इधर भी इसको हम और मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम इमोजी बोलते हैं, मोबाइल पर यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है ना। वो आप एफएस सिंबल से भी ला सकते हो, और कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लाने होंगे तो एफ सिंबल पर ले जाना, वहाँ ज़्यादा अच्छे होंगे, इधर बड़े साइज़ के भी सिंबल्स होंगे। सो मैं यहाँ से फिलहाल ले लेता हूँ, ले जी मैं यहाँ से लिया, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कह दिया ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहां पर मैं लिख लेता हूँ ऑफिस फर्नीचर की बजाय क्या लिख देता हूँ, ऑफिस चेयर्स, ठीक है, चेयर्स क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अच्छा, उसके बाद मैं और लिखता हूँ, और क्या लिखा जा सकता है जी, कारपेट डोर्स कर रहा था ना वो साफ, इसलिए चलो पहले हम डोर्स लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं चलाया ना उन्होंने। अच्छा, कोई बात मैं जाऊंगा ना, जाते हुए नहीं कहूँगा कि चलना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं ऑफिस कारपेट कर लें, क्योंकि ये वाला जो क्लाइंट है ये स्पेशली लाहौर को डील कर रहा है, लाहौर से भाई ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है, लोकल क्लाइंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं लाहौर का। अदरवाइज अगर मुझे पता होता कि मेरा जो क्लाइंट है लाहौर में भी चलता है, इधर भी इसकी कंपनी है, इस्लामाबाद में भी कंपनी है, तो मैं उन सिटीज को टारगेट करके डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ लिखते हैं जी सोफा। अब ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं, इस वीडियो में वो सोफा क्लीन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो ये सर्विसेज भी दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई बंदा सोफा क्लीनर को ढूंढता हो तो उसको भी हमारी वीडियो नजर आती है, ठीक है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब हम जरा देखते हैं कि नीचे भी ये सब चीजें मेरा ख्याल है लिखी होंगी, देखते हैं, दो बड़ा लिख दिया, एक दफा।
अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, कॉल नाउ टू क्लीन योर ऑफिस यस फाइन, ये भी इससे रिलेटेड है। अभी देखते हैं, अब आगे चलते हैं ना, आगे बहुत कुछ होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हो गया, इसके बाद हमने क्या किया, मैं ये कहता हूँ यार इसको भी थोड़ा सा यूनिक कर ले, ठीक है, डिफरेंट सा लग रहा हो, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ और ले आता हूँ इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है और भी बहुत कुछ आ रहा है, देखिए स्मॉल कैप्स, यहाँ पर अब मैं स्मॉल कैप्स वाला ऑप्शन यूज करता हूँ और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग में आ गया ना नीचे, मुख्तलिफ जगह फॉर्मेट्स आ रहे हैं, देखिए कहता है कौन सा यूज करना है आपने, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, रीडेबल भी हो ना, और फिर वापस उतर इसको आप डिलीट कर देते हैं यहाँ से जी, ठीक हो गया। वो ये अब क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट स्टाइल में लिखी नजर आ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लीन हो तो इतनी अट्रैक्ट भी नहीं करती क्लाइंट्स को, इस तरह ये कि यूजर्स को भी अट्रैक्ट करेगी डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेटिंग के बोर्ड में इसको लिखा हुआ, ठीक है। आपने पहले नहीं डिस्कस हुआ आपसे, अच्छा बिल्कुल, एफ सिंबल की एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान में लिखी होती है, मुझे पाकिस्तान भी चला लें, ठीक है, इसको VPN के थ्रू चलाना है, ठीक है। आपने कोई सा भी VPN इस्तेमाल कर लेना है, अगर आप देखें हम लोगों ने कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है, अगर दिक्कत से बचना हो तो ये वाला कर लेना जो मैंने किया हुआ है, ये देखिए कौन सा VPN है, ZenMate, ठीक है, ठीक है। तो ZenMate के ऊपर हमने इसको चला लिया, तो ZenMate चलाएं किसी और कंट्री से कनेक्ट हो जाए तो ये चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान हाँ कुछ नहीं इसका एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं होती है इसका, ठीक है, चले जिसको करते हैं मिनिमाइज, वापस आ जाते हैं इधर। अब आगे देख रहे हैं आगे क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने आगे और मजीद सर्विसेज लिखी हुई हैं, अब यहाँ पर मैंने हैश के साथ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक पैराग्राफ की सूरत में सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोफा कारपेट वाश, देखिए सबने इधर देखना है, इज द बेस्ट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन लाहौर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्स्ट की सूरत में चीज़ों को लिखते हैं, वीडियो ले जाए हमारी और यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्स्ट की सूरत में भी लिख रहे हैं, और बेसिकली हमारी कोशिश यही होती है कि जो टॉपिक कवर कर रही हो हमारी वीडियो उसी का हम पैराग्राफ्स बनाएं, उसी का कॉन्टेक्स्ट लिखें सर, ठीक है, ताकि अगर किसी को हमारी वीडियो का टेक्स्ट भी चाहिए हो तो उसको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल सकता हो। अब यहाँ पर जो जो ये सर्विसेज देते हैं वो भी हमने सारी लिख दी, लिख रहे हैं ना। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हमने, आगे फिर मैंने इसको बोल्ड किया और मैंने लिखा जी बेस्ट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज एट योर डोर स्टेप, बेस्ट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, दो तो लिखा गया एक ही सिस्टम, चले जी इसको आप खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, अब आगे से मैंने पॉइंट्स और बना लिए, अब इस तरह करके जरा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अगर सिंपल सा लिखा होना तो यूजर्स को इतना अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है, और यूट्यूब भी पसंद करता है कि आप इस तरह लिखो। उसके बाद आगे मैंने एक और हेडिंग लिखी है, पहले मैंने सोफा क्लीनिंग करके उसके आगे से सब पॉइंट्स बना दिए, अब मैंने मतलब उसकी सारी सर्विसेज को अलग अलग डिस्क्राइब कर, फिर मैंने आगे लिख दिया बेस्ट कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज और उसको हमने एक्सप्लेन कर, अब आप देख रहे हैं मैंने वर्ड्स को घुमाया है, ठीक है, और यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ट कारपेट क्लीनिंग जस्ट अ कॉल, आगे नंबर लिखा हुआ है और अवे, ठीक है, आपने कॉल कर दिया तो यहाँ से देख के भी हमें कॉल कर दिया। अच्छा उसके बाद और नीचे आते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट, फिर मैंने एक और हेडिंग बनाई और उस हेडिंग के साथ क्योंकि यहाँ पर कर्टन लिखा हुआ है तो ये सारी कर्टन की बातें होती हैं। उसके बाद और नीचे आओ, अब ये वो चीज़ आ गई हमारे पास, फॉर फर्दर इंक्वायरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, जैसे आप कहते हैं कॉन्टैक्ट कैसे करना है उसमें, ठीक है, यहाँ पर हमने उसको अपना एड्रेस भी दे दिया, यहाँ पर हमने उसको क्या दे दिया, मोबाइल नंबर भी दे दिया, ईमेल भी दे दिया, अपनी वेबसाइट भी दे दी, व्हाट्सएप भी दे दिया, और फिर हमने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे दिए। नीचे जाकर हमने क्या किया, हैशटैग्स बनाए, मैंने क्या कहा था कि YouTube रीड करता है वो, अब जब मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ 5000 करेक्टर्स, जब मैं टैग्स की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ 500 करेक्टर्स, लेकिन जब मैं हैशटैग्स की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ 16 हैशटैग्स, ना तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें करेक्टर्स की लिमिट कर रहा हूँ तो ना ही मैं इसमें वर्ड्स की लिमिट कर रहा हूँ, लेकिन आपका बहुत लॉन्ग नंबर ऑफ वर्ड्स पर मुश्किल हैशटैग भी नहीं होगा, वो ज़रा वर्ड करेंगे 3-4-5 तक वो फाइन
इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करेक्टर्स की लिमिट नहीं है, यहाँ पर वर्ड्स की लिमिट भी नहीं है। यहाँ पर वो कहता है मैं आपके 16 हैशटैग डिलीट करूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर 16 के बाद जो लिखे होंगे तो रहेंगे, लेकिन उनको रीड नहीं कर रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पर ये हैशटैग्स लगाए अपनी वीडियो से रिलेवेंट, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल उसी वीडियो से कॉपी की है जिस वीडियो में प्रीवियसली भी हमने ऑफिस चेयर्स को ही क्लीन करवाया, ठीक है। इसलिए इसका मतलब है कि ये चल जाएंगे हमारे, ठीक है। अगर आप इनके हैशटैग्स को देखो तो लिखा हुआ शुरू कहाँ से हुए थे हैशटैग्स, ऑफिस फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा कारपेट सर्विसेज। सो हम एक और हैशटैग लगा लेते हैं इसमें, वो ऑफिस चेयर वाला लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सोफा क्लीनर लिखा हुआ है कि कई लोग ढूंढ रहे होते हैं सोफा क्लीनर, कारपेट क्लीनर लिखा हुआ है, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है। वही जो हमारे कीवर्ड हैं, सारे के सारे हमने अपने कीवर्ड हैशटैग्स की सूरत में इस पे लिख लिए हैं। और अभी अगर हम देखें तो अभी हमने कितनी यूज किए, 2500 तक अभी सर हमने डिस्क्रिप्शन यूज किया। अगर आप इसमें और मजीद कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, थंबनेल बनाना है। अभी थंबनेल की असाइनमेंट आपको दूंगा, ठीक है। आपने थंबनेल बनाना है इसका, मुझे देना, हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन पूरी कर देंगे, तो थंबनेल दोगे तो इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप और नीचे आओ। उसके बाद क्या कहता है, कहता है आपके चैनल पर अगर आपका इंटरेस्ट तो चैनल का एक ही है, लेकिन आपके चैनल की कैटेगरीज डिफरेंट है, ठीक है ना। मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज की आप वीडियोज लगा रहे हो अपने चैनल के ऊपर, तो आप अच्छी बात यह है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ट्रेनर हूँ, बहुत मेहरबानी सर आप तशरीफ लाए, आप आ रहे हैं अंदर, आपके जाते हुए आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब मैं ट्रेनर हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं SEO भी पढ़ाता हूँ, मैं वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी करवाता हूँ, मैं गूगल एड्स भी बनाता हूँ, अब मैं सारी वीडियोस अपने चैनल पे लगा रहा हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं करता हूँ अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना देता हूँ, एक प्ले लिस्ट बनाता हूँ गूगल एड्स ट्रेनिंग, तो उसमें गूगल एड के जितने भी लेक्चर्स होंगे ना सारे उस पर रखता हूँ। एक बनाता हूँ वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब से रेलिवेंट जितने भी लेक्चर्स होंगे ना सारे मैं उस पर रखता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई। सो हमें अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बनानी है और अपनी वीडियोस को कैटेगराइज करके उन प्ले लिस्ट पर एडजस्ट कर लें, ताकि अगर कोई भी आपका यूज़र आता है, आपका फॉलोअर आता है, आपका सब्सक्राइबर आता है, आपकी कोई वीडियो देखना चाह रहा है और एक वीडियो नहीं देखना चाह रहा, पूरे का पूरा आपका टॉपिक कवर करना चाहता है, तो उसको एक पूरी प्ले लिस्ट मिल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, प्ले लिस्ट बनानी है तो डिफरेंट टॉपिक्स की भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने, जैसे आपने रियल एस्टेट का चैनल बनाया था, उस पर आप दूसरी भी वीडियोस डाल दें, देखो उसका फायदा कोई नहीं होगा, वो गलत हो गया ना। नहीं, वो प्ले लिस्ट नहीं है, चैनल आपका एक इंटरेस्ट पर होगा। मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट यह है कि मैं एक IT ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। अब मैं इस पर तो बना सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करता भी हूँ और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ, तो ये डिफरेंट इंटरेस्ट तो नहीं है, ये तो सेम इंटरेस्ट है। आपका चैनल एक इंटरेस्ट पर बेस करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं एक निश होनी चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होती चैनल की। अब जब चैनल के अंदर हम आ गए हैं, तो अब आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए मैंने किया 5 लेक्चर आपको फोटोशॉप पर भी करा दिए, ठीक है ना। अब मैं फोटोशॉप की एक प्लेलिस्ट, मैंने आपको SEO करवानी थी तो मुझे आपको HTML सिखानी पड़ेगी, तो मैंने HTML की एक प्लेलिस्ट, मैं पीक सीजन में आकर ट्रेनिंग देने लगा हूँ, तो एक ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ MWF के स्टूडेंट्स को और एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं नैपटेक के स्टूडेंट्स को, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी नैपटेक स्टूडेंट्स, उसमें उनकी क्लासेस सारे लेक्चर रखता हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपके सारे लेक्चर। तो इस तरह करके हमें प्ले लिस्ट बनाने का ये फायदा है कि जब कोई हमारा रिटर्निंग सब्सक्राइबर हमारे पास आएगा, रिटर्निंग सब्सक्राइबर का क्या मतलब होता है, जिसने आपको सब्सक्राइब किया हुआ था और फिर आ रहा है आपके चैनल को देखने के लिए, तो उसको प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है, हर चीज़ की प्ले लिस्ट से। आइए आप करीब बैठ जाइए हमारे, आपका एडमिशन है कि आप ट्रायल पर है? नहीं अभी तो देखने, डेमो देखने का, इट्स ओके। अभी बेसिकली हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो इसमें तकरीबन हमने 1 महीना कंप्लीट किया हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जिस लेवल पर हैं, आपको ये फील ना हो कि हम क्या डिस्कस करें, ठीक है। इस वक्त हम लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज को ऑप्टिमाइज करना सीख रहे हैं, और मैं डिजिटल मार्केटर ही हूँ। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट की वीडियो पर काम कर रहा हूँ, मतलब जिनको मैं सर्विसेज देता हूँ ना, उन्हीं का, जहाँ पर मैं जितना कुछ सिखा रहा हूँ सबको अपनी प्रोफेशनल कामों के ऊपर सिखाता हूँ, यानी मेरे जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर लर्निंग करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं होती है, जो कुछ लर्न जो कुछ सीखेंगे ना वो सब रियल प्रोजेक्ट के ऊपर सीखेंगे, ठीक है। मतलब अब इस वक्त हम यूट्यूब सीखते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, अब यहाँ से हमने इसकी प्लेलिस्ट पे आए और यहाँ से मैंने इसकी प्लेलिस्ट पे ऐड कर दिया इसको, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने अपनी जो वीडियोस की डिफरेंट कैटेगरीज रखी हुई हैं अपने चैनल के अंदर, आपने उन्हीं की प्लेलिस्ट बना दी, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो वीडियो में, अब आपका चैनल जो है बेसिकली दो कैटेगरीज में जाएगा कि भाई क्या ये आपका किड्स का चैनल है कि अडल्ट का चैनल है। अब किड्स और अडल्ट से क्या मुराद है कि अडल्ट से मुराद ये है कि मतलब 18 प्लस के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं और उनका इंटेलेक्चुअल भी डिफरेंट होता है और उनसे गुफ्तगू करने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। तो जो बड़ों के चैनल होते हैं आप देखते हैं कि इनके ऊपर अजीबो गरीब कॉमेंट्स भी आ रहे होते हैं, लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो चैनल आप बनाते हो बच्चों के लिए, यूट्यूब जो चैनल कहता है कि ये बच्चों का चैनल है, तो उस पर उसने कॉमेंट्स को ऑफ रखा होगा। और जो आपका रेवेन्यू जनरेट होना होता है वो अडल्ट्स के चैनल से जनरेट होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो चैनल है वो बच्चों का चैनल नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल्स का चैनल है, बड़ों का चैनल है, 18 प्लस के लोगों का चैनल है। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया, यस नो, ये चैनल बच्चों का नहीं। और आपने देखा था जब मैंने आपको इसकी सेटिंग्स करवाई थी तो ये बात आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी सेटिंग में ये सेटिंग नहीं की हुई, मैनुअल आई है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाए, पेड प्रमोशन इसको अभी छोड़ दें। पेड प्रमोशन का मतलब ये होता है कि मुझसे किसी ने मेरे चैनल के ऊपर अपनी प्रमोशन की वीडियो बनवाई, मतलब चैनल मेरा, मैं जैसे मैं कहता हूँ जी मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। तो पीक सॉल्यूशन वालों ने मुझे कहा कि पीक सॉल्यूशन की एक वीडियो बनाकर आपने पीक सॉल्यूशन की वीडियो की प्रमोशन करनी, ठीक है। उसके लिए वो पीक सॉल्यूशन वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, सो मैंने उनसे पैसे लिए हुए, तो मैंने कहा भाई पेड प्रमोशन, सो मुझे ये बताना पड़ता है, ना भी बताऊंगा तो यूट्यूब वालों को तो नहीं पता लगेगा। लेकिन जब पेड प्रमोशन में आ जाते हैं तो फिर अगर आप अपने इंटरेस्ट से थोड़ा सा हट भी जाएं तो यूट्यूब को पता लग जाता है कि ये पेड प्रमोशन हो गया, ठीक है ना। जैसे टीवी के ऊपर स्टार चलते हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट के स्टार चल रहे होते हैं, ठीक है ना, एक ही तरह के स्टार नहीं चलते, कभी एकदम रूफजा का स्टार आ जाएगा, फिर एकदम चाय की पत्ती का स्टार आ जाएगा, ठीक है ना, फिर एकदम किसी बिल्डिंग का या स्टील का स्टार आ जाएगा। सो पेड प्रमोशन की ये कैटेगरी हमारे पास आ गई। और नीचे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स। चैप्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, अभी तक हमने चैप्टर्स को डिस्कस नहीं किया। चैप्टर में ये होता है कि जैसे आपकी किताब होती है, किताब के ऊपर एक इंडेक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है चैप्टर 1 सफ़ा नंबर 25, चैप्टर नंबर 2 सफ़ा नंबर 40, लिखा होता है ना, तो आपको आसानी होती है उस चैप्टर को रीड करने में। इसी तरह जब हम कोई वीडियो बनाएंगे ना तो हम उसके भी चैप्टर्स बना देंगे, हम कहेंगे कि 00 पॉइंट जहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो रही है ना वो इंट्रो है, 2 मिनट्स के ऊपर जाकर जो है ना जनाब मैं आपको इस वक्त पढ़ाने लगा हुआ हूँ कि हाउ टू ऑप्टिमाइज यूट्यूब वीडियो, 3 के ऊपर जाकर मैं आपको बताने लगा हूँ कि हैशटैग्स क्या होते हैं, अब वो मैंने यहीं पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। तो वो जब आप लिख दोगे तो आपकी वीडियो के ऊपर आपके चैप्टर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कोई बंदा आपकी पूरी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो खास चीज़ जानना चाह रहा है तो उसी चैप्टर पर क्लिक कर देगा, ठीक है, ये भी अभी हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ गए हम, ये क्या आ गया जी, हमारे हैशटैग्स आ गए, सॉरी टैग्स आ गए। ये वो टैग्स हैं जो सेटिंग में सेट किए हुए हैं, ठीक है, इनको फिलहाल मैं रिमूव करने लगा हूँ, ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, vidIQ, ठीक है। मैंने आपसे यही कहा था ना कि vidIQ की एक्सटेंशन आप सबके यूट्यूब पर होनी चाहिए, उसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है देखें जरा, उसका फ़ायदा ये हो रहा है, कहता भैया आपने जो वीडियो लगाई है ना इसके लिए रिकमेंडेड टैग्स ये वाला है, ये उसने खुद ही मुझे रिकमेंडेशन दे दी। सो मैं और इसके साथ देख रहे रैंक भी दिखा रहा है इन टैग्स, ठीक है ना। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ देखते हैं क्या होता है, आगे पता लग रहा है, यही वाला था ना सबसे अच्छा, कहता है 43 है इसकी, और इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितने लोग इसको सर्च कर सकते हैं, नीचे देखें इतने लोग इसको सर्च कर रहे होंगे, बता रहा है किस किस का सर्च वॉल्यूम अच्छा है। सो मैं ये काम करता हूँ, इसको लेता हूँ, इसको क्लिक किया मैंने, टिक लग गया, इसका मतलब है मेरे टैग्स में ऐड हो गया होगा। और नीचे आओ, और कौन सा अच्छे वाला है, ये वाला है, इसको ले लेता हूँ, और ये भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, और ये वाला कुछ बेहतर है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिलेटेड स्कोर, ठीक है, ये इसका स्कोर भी अच्छा है, इसको भी ले लो जी, कॉर्पोरेट क्लीनिंग सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का क्या मतलब है कि मतलब ऐसे लोग जो क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं और क्लाइंट्स उनसे सेटिस्फाइड भी हों, उनको भी हो, ठीक है, उनकी कैटेगरी में हम अपने आप को ले गए। और इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, तो देखते हैं क्या हुआ है, लगे हैं वो 3 टैग्स,
ये एक रह गया कॉर्पोरेट क्लीनिंग बिजनेस। अब कॉर्पोरेट लोगों के घरों में भी है, कॉर्पोरेट लोगों के ऑफिस में भी है, ठीक है। सो हम कहते हैं भैया हम ऑफिस वालों को भी सर्विसेज दे रहे हैं, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। अब इस तरह की एक वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूँ। सो मैं ये जिसका स्कोर आप देख रहे हो ना 80% आ गया, सो इसको हम यूँ आते हैं नीचे और देखते हैं इसके कौन से टैग्स हैं। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टैग्स लगे हुए हैं। सो मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके कि मैं उधर जाकर दोबारा से ये मैनुअल लोड वर्क करूँ, यही टैग्स मुझे उस वीडियो में भी चाहिए, इसलिए वो भी ऑफिस फर्नीचर नीचे किया है। देखें हाँ, आपने काम भी क्रोम में ही करना है। क्यों करना है क्रोम में? इसलिए कि हम सारा काम ही क्रोम के लिए कर रहे हैं, काम कर भी तो गूगल के लिए रहे हैं ना। दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपने ये स्किल्स सीखते हुए उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करना, स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए बेशक यूज़ करें, लेकिन जब आपको काम कर रहे होंगे तो आपने गूगल को यूज़ करना है, गूगल क्रोम को यूज़ करना है प्लेटफॉर्म को, ठीक है। ले जी, इसको कॉपी करने का क्या तरीका है? मैं दूसरी वीडियो में आया हूँ, ये कॉपी का बटन बना हुआ है, यहाँ से इस कॉपी के बटन पर क्लिक करते हैं, कॉपी हो गया और यहाँ ला कर इसको पेस्ट कर देते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आप टैग्स कितने लगा सकते हो 500 कैरेक्टर्स में, इस वक्त कितने हो गए हैं? 573 हो गए, ठीक है। अब जरा उस वीडियो में जाकर देखें, क्योंकि वो वीडियो पब्लिक है तो वो दिखा दिए कि कौन से हाई रैंक टैग्स हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये आखिर वाला दो टैग्स जो हैं ये हाई रैंक में नहीं आ रहे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे जगह भी नहीं है मेरे पास, मैं इन दोनों को रिमूव कर दूँ क्योंकि हाई रैंक टैग नहीं थे। अभी भी मुझे कोई टैग निकालना है, फिर वापस उधर आए देख लेते हैं कि यहाँ से मुझे दिखा रहा है कि मैं हाई रैंक ना निकाल दूँ, मैं इधर इसलिए आ रहा हूँ। अच्छा ये फैब्रिक क्लीनिंग ये हो गए, अच्छा ये इधर है। उसके बाद क्या लगे, सोफा क्लीनिंग एट होम, इसको रिमूव कर देते हैं, मेरा ख्याल है फिर हमारा काम हो जाएगा। दो टैग्स रह गए, ठीक। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। क्लीनिंग सर्विसेज और सोफा वॉश लिखा हुआ है, जब तक ये रेड का निशान हटेगा नहीं ना आप अपनी फाइल को सेव नहीं कर सकोगे। ले जी यहाँ पर और कौन सा आ रहा है ऊपर देखें, जो सोफा क्लीनर, इसको भी रिमूव कर देते। कहाँ लिखा हुआ सोफा क्लीनर? ये अच्छा लिमिट में आ गए हम लोग। अच्छा ऊपर आकर जरा देखो, यहाँ देखें जरा क्या कह रहा है। यहाँ से चले देख लें क्या शो हो रहा है, स्कोर स्कोर क्या शो हो रहा है, बहुत छोटा नजर आ रहा है, 45% आउट ऑफ 50, ठीक है। अभी तक ये वीडियो पब्लिक भी नहीं हुई ना, अनलिस्ट किया, तो हम इसको अनलिस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं जी, बाकी की चीज़ें बाद में देखते हैं, फिर नेक्स्ट करें। ये कॉपीराइट का मतलब है कि कॉपीराइट इशू इसमें है, अभी नहीं है। अब कॉपीराइट इशू जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो साउंड का इशू होता है हमारे पास, और एक होता है कि हम पूरी की पूरी वीडियो किसी की उठा लें, और एक होता है कि हम कोई इलीगल वीडियो लगा रहे हैं जो कि यूट्यूब कह रहा होगा उसकी गाइडलाइन कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट वीडियो होगी ना तो उस पर तो वो आपको उसको चार्ज भी कर देता है, यानी कि पेनल्टी भी देता है उसको, इवन वो आपको ये कह देता है कि आप उन्हें गलत कर रहे हो, पहली दफ़ा उस वीडियो को रिमूव कर देता है, और सम टाइम वो 90 दिन के लिए आपका चैनल जो है बैन भी कर देता है, ठीक है। बैन इस तरह कर देता है कि आप उसमें आप वो तो ख़त्म हो गया ना, फिर एक कर देता है कि आप 60 दिनों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मतलब आपकी वीडियो चल रही है, लोग भी देख रहे हैं, मतलब आप उसमें नया डाटा अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैसे पता चलता है कि जी बिल्कुल, हमें ये पहले से ही पता हो, जैसे आप लर्न कर रहे हो ना इसमें आपको पता लगेगा। मिसाल के तौर पर जैसे पीछे कुछ अर्सा पहले वो मीनार पाकिस्तान का एक वाक्य हुआ था, ठीक है ना, अब उसके जो क्लिप्स है उसको लोगों ने बड़ा कैच किया था, सब लोगों ने अपने अपने चैनल पर वीडियोज़ लगाई और वो अब उसमें लोग मुख्तलिफ तरह से वीडियोज़ बना रहे थे, ठीक है। जो एक्सपर्ट लोग थे वो कैसे वीडियोज़ बनाते थे, वो ये करते थे कि वो अपना ब्लॉग करते थे, ब्लॉग कर देते थे और बीच में थोड़ा सा क्लिप, जस्ट फ्यू सेकंड्स का क्लिप वो दिखाते थे। कुछ लोगों ने ये होशियारी दिखाई कि पूरे का पूरा क्लिप उठाया और लगा दिया। अब वो जो पूरा क्लिप जब लगाओगे ना, मतलब अगर आप कोई ऐसा क्लिप लगाओ जो कि उसकी कम्युनिटी के अगेंस्ट चल रहा है, तो उसको अगर आप 5 सेकंड्स 8 सेकंड 6 सेकंड इतना लगाओ ना एक दफ़ा, तो उस पर आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके 10 सेकंड प्लस आपका ऐसा क्लिप आ जाए जो कि उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको फ़ौरन रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर कॉपीराइटेड भी है कोई क्लिप, उसको अगर आप एक लिमिट के अंदर रखें, हाँ, आप किसी का मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जियो न्यूज़ से मेरा अपना न्यूज़ चैनल एक बनाया हुआ है,
ठीक है, मैं अपना न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ और मैं न्यूज़ चैनल तो चला रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं है, न्यूज़ तो मैं न्यूज़ चैनल से उठाता हूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल से उठाता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं खुद भी ब्लॉगर हूँ, एक ब्लॉगर मैं खुद बोलता हूँ न्यूज़ को, बीच में कभी मैं जियो न्यूज़ का 7 सेकंड का क्लिप दिखा देता हूँ, फिर बीच में से उठाकर मैं एआरवाई का एक छोटा सा क्लिप चला देता हूँ। इस तरीके से जब मैं क्लिप चला रहा हूँ तो उसके ऊपर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पूरे का पूरा मुझे पता लगे ना इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको लाकर मैंने अपने चैनल पर लगा दिया तो उसके ऊपर हमें स्ट्राइक आ जाएगा। और स्ट्राइक जो आता है, मेजर स्ट्राइक जो आता है वो ऑडियो पे आता है। यानी आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप अपने न्यूज़ चैनल बनाएं और आप कहें जनाब मैं रात को 9:15 न्यूज़ चलाया करूँगा अपने चैनल पर। आपने 9 बजे जियो से न्यूज़ सुनी, ठीक है, उनको स्क्रिप्ट किया, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने वो तस्वीरें कैप्चर की सारी न्यूज़ की और उसके ऊपर आपने अपना वॉइस ओवर कर दिया। क्योंकि आप तस्वीरें क्या चल रहा है, सारा बैकग्राउंड किसका चल रहा है, जियो का चल रहा है, ठीक है ना। इवन आप जियो को ब्लर कर दें, जहाँ पर जियो का सिंबल नज़र आ रहा है उसके ऊपर अपना लोगो लगा दें, जियो तो नज़र नहीं आएगा आपको, बाकी चीज़ें सब नज़र आ रही हैं, लेकिन आप बोल खुद रहे, आप वॉइस उसकी नहीं ले रहे। अब आप 20 मिनट का लगा लें, घंटे का लगा लें, आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। आपको स्ट्राइक इस पर आता है ऑडियो का, ठीक है, वॉइस में आता है, ठीक है। तो अगर आप सीन्स लेंगे सिर्फ उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगा, ऑडियो के ऊपर स्ट्राइक नहीं। वो जो आप क्लिक पा रहे हैं वो कहीं से भी कोई भी पा लेंगे, विद इन द 10 सेकंड हो तो वो नहीं आएगा। हां हां, अगर तो 10 सेकंड से कम होगा ना उस पे स्ट्राइक हो। कि आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म उठा रही है, आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म के ऊपर ना आप लोगों ने ना एक रिव्यू दे रहे हो, ठीक है, आपने अपना ही एक रिव्यू बनाया हुआ है, तो बोलते बोलते एक मिनट के लिए आप बीच में 3-4 सेकंड का क्लिप ऐड कर देते हो, ठीक है, वो छूट आता है बीच में एकदम, उसके बाद फिर आप बोलना शुरू हो जाते हैं, उस पर नहीं आएगा, उस पर नहीं आएगा। लेकिन ये कि अगर आप क्लिप बढ़ा लगाओगे फिर 10 सेकंड से ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा। और ये जो ऑडियो का स्ट्राइक होगा ये इतना डेंजरस भी नहीं होगा। ऑडियो का स्ट्राइक आपको डैमेज क्या करेगा, ऑडियो का स्ट्राइक आपको डैमेज ये करेगा, वो कहेगा यहाँ तो आप एक काम करेंगे, अब ये स्ट्राइक आ गया तो आप यूट्यूब से ही कोई ऑडियो लेकर इसको रिप्लेस कर दो, नंबर वन एक चीज का तो ये है। दूसरा तरीका वो ये कहेगा कि यार इसके 4 सेकंड पे एक स्ट्राइक आया हुआ है तो आप, या 1 मिनट में स्ट्राइक आया हुआ है, इतनी वीडियो को म्यूट कर दो। अब वो जब आप उसको म्यूट कर दो, आप अक्सर देखते हो ना इंटरनेट पे यूट्यूब पे फिल्में देखते हैं, तो फिल्म चल रही होती है तो किसी किसी जगह से वो बिल्कुल खामोश होती है, ठीक है ना। बेसिकली वो क्या होता है कि उस पर स्ट्राइक आया होता है तो उन्होंने उतने हिस्से को खामोश कर दिया होता है, तो मतलब वो 20 सेकंड्स के लिए खामोश हुई। कई लोगों ने सॉन्ग्स के ऊपर अपना कॉपीराइट लगाया होता है, वो सॉन्ग्स को रिमूव कर देते हैं बीच में से, नहीं कई लोग फिल्मों में सॉन्ग भी कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको करते हैं अनलिस्ट, और जब भी आप किसी क्लाइंट्स का काम कर रहे हो जब तक आपका काम फिनिश ना हो जाए आप उसको अनलिस्ट रखना, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे ही उसको पब्लिक करना है ना तो उसको पब्लिक करने के बाद आपकी वीडियोस की मुख्तलिफ किस्म की थ्रो होगी, एक तो आपके सब्सक्राइबर्स को चली जाएगी, एक उन लोगों को चली जाएगी जो आपकी तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो एकदम ही फैल जाएगी तो हमारा तो काम अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ होगा। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको उस वक्त तक अनलिस्ट रखते हैं जब तक हमारा काम मुकम्मल ना हो जाए, ठीक है जी। इसको मैंने अनलिस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अभी ये फिलहाल ये ड्राफ्ट में पड़ी थी पहले, अब ड्राफ्ट से ये अनलिस्टेड में चली गई, ठीक है। अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अपने साइट्स पे बैठकर अपनी वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है, वो भी ऑप्टिमाइजेशन मैं कर देता हूँ, तो वो अपलोड किस मोड में करते हैं, या तो उसको ड्राफ्ट बना के रख देते हैं तो या उसको अनलिस्टेड फॉर्म में रख देते हैं। जब मैं उस पर काम मुकम्मल कर लेता हूँ फिर मैं उसको पब्लिक करता हूँ। लेंजेस को क्लोज करें जरा, फिर मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं जी। आ गया, कौन सी वीडियो थी ढूंढे जिस पे हमने काम किया, ये थर्ड वाली 1, 2 और 3, ये वाली थर्ड वीडियो हमारी है, ठीक है जी। इस पे हमने काफ़ी सारा काम कर लिया जी, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इस पे लग गई। अब दोबारा पेंसिल में जाएं, एडिट में जाएं, इसके अब देखते हैं नीचे क्या आ रहा है।
स्कोर आ रहा है, अभी तक हमने इसको पब्लिक नहीं किया इसलिए ये स्कोर आ रहा है। जब हम इसको पब्लिक करेंगे ना तो ये इसका एग्जैक्ट स्कोर हमें बताएगा, क्योंकि अभी हमने इस पर फिनिशिंग नहीं की। हमने ये प्लान किया था कि भाई हमने क्या करना है, इसका थंबनेल अभी नहीं बनाया, थंबनेल बनाना है। थंबनेल आप में से कोई एक स्टूडेंट इसका बनाएगा, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे रोकते हैं और ये हमने एक किस्म की पूरी ऑप्टिमाइजेशन मुकम्मल कर ली है। अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि जो चैप्टर्स वाला हिस्सा था वो भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि चैप्टर्स कैसे बनते हैं इस वीडियो में। सो चैप्टर्स बनाने के लिए मैं ये काम करता हूँ, बल्कि एक काम और कर लेते हैं उससे भी पहले, इस वीडियो को जरा प्ले करते हैं, ठीक है, ताकि मैं बताऊँगा मैंने क्या चीज़ और इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर बेसिकली देखें दो तरह की यूट्यूब वीडियोज़ हैं हमारे पास, एक वो लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, एक वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना। दो तरह के लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं। और ये आपको भी बताया था कि इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आप अपने चैनल को ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं, चैनल को ग्रो करने का मतलब इनिशियल स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज ये है कि आप मतलब आपका चैनल बिल्कुल नया है, पहला महीना है अभी आपका, एक महीने में आपने अपनी वीडियोज़ पर काम किया, तो आप अपने व्यूज़ को किसी तरीके से 500 पे ले गए, 500 मतलब डेली व्यूज़, नेचुरल दोस्तों को कह के नहीं, स्टेटस लगा के भी नहीं, यानी कि आपको लोग या तो आपकी वीडियो इतनी अच्छी, आपका कंटेंट इतना बिजनेस की, आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि लोग खुद सर्च कर रहे हैं आपको। 500 हो गए, पता लगा कि 2-2.5 महीने के बाद आप इसको 1000 पे ले गए। इसका मतलब यह है कि 1000 व्यूज़ का मतलब है कि 1000 लोग आपको ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है 1000 लोगों में से आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो पेड तो नहीं है ना, हम पेड प्रमोशन चला ही नहीं रहे, ये तो ऑर्गेनिक है सारी की सारी। सो इससे आपको बहुत बिजनेस मिलने का चांस है। इसी तरह जो लोग यूट्यूबर्स होते हैं वो कहते हैं हमने अर्निंग करनी है, सो वो अगर किसी बंदे से कहें कि भाई मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे व्यूज़ दे दो, मुझे व्यूज़ दिला दो, या मुझसे पैसे ले लो, मुझे 4000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, या मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, 4000 घंटे का वाट टाइम पूरा कर दो, वो बिल्कुल वर्थलेस चीज़ है। बजाय इसके उसको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं जो चैनल बना रहा हूँ मुझे इसके ऑर्गेनिक व्यूज़ एक दिन में कितने मिल रहे हैं, क्योंकि जो बंदा करके देगा, जब वो करके देगा तो व्यूज़ तो आ जाएंगे इसके 200-300, ठीक है। ये भी हो सकता है कि रोल बैक हो जाए, आमतौर पर ऐसे ही होता है कि वापस हो जाते हैं, नेचुरल ना हो अगर, तो उसे ये देखना है कि यार मेरे डेली व्यूज़ कितने हैं। मसलन वो कहता है मैं यूट्यूबर हूँ और एक महीने की मेहनत के बाद उसको लगा कि यार मैं 200 पे पहुँच गया हूँ, और वो सब नेचुरल है, और 2 महीने की मेहनत के बाद उसको लगा कि मैं 600 पे पहुँच गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रो करवा रहा है अपने चैनल। लेकिन अगर पता लगे कि उसके चैनल के ऊपर व्यूज़ कितने आते हैं, कभी 25 आ रहे हैं, कभी 18 आ रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि वो किसी को पैसे दे के भी काम करवा लेगा, ना उसके बिजनेस को ये फ़ायदा पहुँचाएगा और ना उसको एज ए चैनल इनकम के तौर पर भी ये फ़ायदा पहुँचाएगा। क्योंकि अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसे कमा सकते हैं, पैसे मिलेंगे नहीं आपको, पैसे मिलेंगे उसी वक्त, कम से कम आपका 1000 व्यू होगा तो आपको $1-1.5 मिलेगा। जिन लोगों के 10,000 व्यूज़ होते हैं डेली वो लोग अर्न कर रहे होते हैं, जिन लोगों के 50,000 व्यूज़ होते हैं वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कहने लगा हूँ कि मैं यहाँ से ये उठाता हूँ, देखें ये चीज़, क्योंकि किसी बंदे ने ये, क्योंकि हम बिज़नेस के वाले से बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, यूट्यूबर तो है नहीं हम, तो हम कह रहे हैं हम तो बिज़नेस के वाले से बात कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई ये थे हमारे लिंक्स, इनको किया मैंने कॉपी, ठीक है, यहाँ वीडियो चलाई थी मैंने अभी, ये चल रही वीडियो ना मेरी। अब क्या होगा, अब कोई भी बंदा मेरी वीडियो देखेगा, अब वो घर में बैठा हुआ है, उसको भी क्लीनिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, वो कोई उसका भी सोफे गंदे हुए हैं, उसने कहा मैंने भी सोफे साफ़ करवाने अपने, अब वो ढूंढना शुरू हो जाएगा मेरा नंबर। ये भी हो सकता है कि वीडियो में आ रहा हो, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं नंबर दूंगा यहाँ पर, देखें डिस्क्रिप्शन में तो है ही है ना सब कुछ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तो उसे बड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, अपना एक कमेंट ऐड करते हैं और इस कमेंट में अपनी डिटेल बता देते हैं, आगे सारी डिटेल मेरी यहीं पर। अब कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको ये यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगला मरहले में मैंने क्या करना है, अगले मरहले में मैंने क्या करना है, इसको पिन कर देना है, पिन कर दिया। अब जब भी कोई बंदा मेरी वीडियो देखा करेगा, वीडियो देखे जैसे ही नीचे आएगा तो उसको यहीं पर ही सब कुछ, तो मैंने इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखी है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें, हो सकता है एक बंदा कहेंगे सिर्फ कॉल स्लैश व्हाट्सएप ही दे दें, तो उसको फौरी तौर पर पता लग जाएगा मैंने यहाँ पर कॉल करके मजीद, या लिख दे कि ऑर्डर ना हो, कॉल ना हो, ठीक है ना, और यहाँ पर नंबर अपना दे दे। अब ये दे दिया हमने, इसी तरह आपने क्या करना है कि कोई अच्छा कॉमेंट जो आपको लग रहा हो उसको आपने हार्ट भी कर देना, आपको उसका कॉमेंट बड़ा पसंद आया हुआ है,
फिर आपने अपनी इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर करना है, मतलब एक शेयर करना ये है, क्योंकि आप इसे सोशल नेटवर्क पे लेकर जाएंगे तो उधर से आपको रियल यूजर्स मिल सकते हैं। मतलब आप सोशल नेटवर्क पे इसलिए शेयर नहीं कर रहे कि उधर से मुझे 50 व्यूज़ मिल जाए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि उस नेटवर्क पे कोई मेरा एक्सपेक्टेड क्लाइंट बैठा हो तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आकर हमने ये काम कर दिया, मैं पिन करने आया था यहाँ। ठीक है, अब आ जाए वापस इसमें। अब हम इसको अभी पब्लिक नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम कब पब्लिक करेंगे? जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। हमने इस पर थंबनेल लगाना है, थंबनेल के भी मैं एक असाइनमेंट देता हूँ आपको, तीनों को एक एक थंबनेल बनाने के लिए देता हूँ। बाकी की दो वीडियोस को आप कल यहाँ आके करना, मेरे पास आके करना, थंबनेल पहले बना लीजिए। ठीक है, थंबनेल में कौन है जो चारों में से ज़रा कुछ एक्सपर्ट हो गया? एक बंदे ने तो मुझे बनाकर भी दिखा दिया। किसने दिखाया वाला? आपने बना दिया, और आप भी बना दोगे? अभी भी कुछ इशू है फोटोशॉप में थोड़ा सा। सर क्लास में नहीं आती? हाँ, जलाए, बिल्कुल जलाए, क्यों नहीं जलाए। चलिए, जिस लेक्चर को मैं कर रहा हूँ स्टॉप, ये रिकॉर्डिंग।